आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी कहानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत में। पानीपत हरियाणा में स्थित है। तो जानते हैं पानीपत में जो वॉर हुआ था वो किसके और किसके बीच में हुआ था? यह हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी तो अपने हिंदुस्तान का था, लेकिन बाबर अपने हिंदुस्तान का नहीं था। तो हिंदुस्तान में आया कैसे? हुआ ये कि दौलत खान लोदी ने बाबर को न्योता दिया कि आइए हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत कीजिए इब्राहिम लोदी को हरा के। बाबर ने सोचा चलते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हुकूमत करेंगे। तो हिंदुस्तान आया। जब युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी का, तो उस समय बाबर के पास में 25,000 से लेके 50,000 तक सिर्फ सैनिक थे और 100 हाथी थे, और इब्राहिम लोदी के पास 12,000 से 15,000 के बीच में सैनिक थे और 15 से 20 तोपे थी। ये युद्ध का वो चरण था जिसमें पहला ऐसा चरण था जिसमें गन यूज हुए थे, मतलब तोपे यूज हुई थी। इससे पहले ना किसी युद्ध में तोपे यूज हुई और ना हमने सुना। यहीं से तोपे गन्स का इस्तेमाल होना चालू हो गया। तो दोस्तों, जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये तो साफ हो चुका था कि बाबर की हार जीत निश्चित है और इब्राहिम लोदी की हार निश्चित है, क्योंकि उनके जो सैनिक थे वो हाफ थे और डबल थे, मतलब बाबर के पास में दुगनी ताकत थी एज कंपैरिजन टू द इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपने सैनिकों के साथ फील्ड पे, मतलब वॉर जहाँ चल रहा था वहीं डिफीट हुआ, वहीं उसकी मृत्यु हुई। और इसी के बाद से जो मुगल का काल हुआ हमारे हिंदुस्तान पे शुरू हो गया। तभी से मुगल आए, हिंदुस्तान में आए और उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना ली। तो दोस्तों, ये थी कहानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की।